मैं जहां आरा बोल रही हूं, शायद आप मुझे नहीं पहचानते। मैं पहले अपना परिचय करवा देती हूं। मैं जहां आरा मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी हूं। लगता है अभी भी शायद मेरा परिचय ठीक से नहीं हुआ। मैं औरंगजेब की बड़ी बहन बोल रही हूं। अब तो मुझे आप पहचान ही गए होंगे, क्योंकि आप औरंगजेब को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, पर मुझे नहीं। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुगल राजनीति को मैं जितना अच्छी तरह से समझती हूँ शायद ही कोई समझा होगा। मेरा जन्म 23 अप्रैल 1614 में मुमताज महल की बड़ी बेटी के रूप में हुआ था। बात जून 1631 की है। मेरी माँ यानी मुमताज को संतान होने वाला था। वह रात भर तड़पती रही। हकीमों ने भी अपने हाथ ऊपर कर लिए थे। मेरी माँ, वह बेचारी को इतना दर्द हो रहा था कि उसको देखकर किसी का भी कलेजा फट जाए। कहा जाता है कि अगर बच्चा कोख में ही रोने लगता है तो माँ का बचना असंभव हो जाता है, और माँ के साथ भी यही हुआ था। जब मेरी माँ समझ गई कि वो नहीं बचेगी तो अपने अंतिम समय में वह शाहजहाँ से मिलने की इच्छा जताई। शाहजहाँ आए, माँ किसी तरह अपनी आँखें खोल पा रही थी। वह अपने अंतिम समय में शाहजहाँ से दो वादा ली। पहला वादा था एक ऐसे मकबरा बनवाने की जिसके जैसा दुनिया में किसी ने न बनवाया हो, और उस मकबरे को दुनिया हमेशा याद रखे। और दूसरा वादा था कभी शादी न करने को लेकर। और कुछ देर के बाद माँ ने मेरी छोटी बहन गोहर आरा को जन्म दिया और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं केवल 17 साल की थी जब माँ मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मेरे हाथों में गोहर आरा थी और कंधों पे आने वाली ढेर सारी जिम्मेदारियाँ। अब्बा इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। अब्बा संगीत सुनना छोड़ दिए और सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। लगातार रोने की वजह से उनकी आँखें कमज़ोर हो गई। पहले जब उनका एक भी बाल सफ़ेद होता था तो उसे उखड़वा देते थे, लेकिन माँ के मरने के एक सप्ताह के भीतर उनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद होने लगे। इसके बाद अब्बा दारासिको और मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए। वो साल था 1644 जब मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। उस दिन मेरा सालगिरह था। मैंने रेशमी लिबास पहन रखा था। जब मैं अपनी खादी माओं के साथ बाहर आई तो एक समा मुझसे रस करने लगी और मेरे कपड़ों में आग लग गई। मेरे खादी मारों ने मेरे ऊपर कंबल फेंक कर किसी तरह आग बुझाया। मैं बुरी तरह जल गई थी और मेरी हालत बेहद नाजुक हो गई थी। किसी ने बताया कि मथुरा वृंदावन में एक जोगी रहता है, उसकी दी हुई भभूति अगर जख्मों में लगा दी जाए तो मैं ठीक हो सकती हूँ। उस जोगी को बुलाया गया, लेकिन उससे मुझे आराम तो मिला, लेकिन कुछ दिनों के बाद जख्म फिर उठ गए। फिर एक नजूमी ने शाहजहाँ को बताया कि मुझे माफ़ी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी ने मुझे बद्दुआ दी हुई है। खादिमाओं से पूछा गया कि जहाँ आरा ने हाल में ही किसी को सजा तो नहीं दी है। पता चला कि एक सिपाही मेरे एक खादिमा पर डोरे डाल रहा था। मैंने उसे हाथी के पांव तले मरवा दिया था। सिपाही के परिवार को बुलाया गया और मुझसे माफ़ीनामा लिखवाया गया और पैसा दिया गया। उसके बाद जाकर मैं ठीक हुई। अब्बा ने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए और दिल खोलकर पैसा लुटाए। अब्बा के शासनकाल में मेरा ऐसा रुतबा था कि हर महत्वपूर्ण फैसला मेरी सलाह से लिया जाता था। धीरे धीरे शासन की पूरी बागडोर मैंने अपने हाथों में ले लिया। जब पश्चिमी यात्री भारत आते थे तो उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी होती थी कि मुगल बेगमें कितनी ताकतवर होती है। इसके ठीक उलट अंग्रेज औरतों के पास इस तरह के अधिकार नहीं थे। इस बात पर उन्हें ताज्जुब होता था कि बेगमें व्यापार कर रही है और उन्हें हुक्म दे रही है कि इस चीज़ का व्यापार करें। इसी कारण उन्हें लगता था कि अब्बा के साथ मेरा गलत संबंध है। पर मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बा मुझे कितना प्यार करते थे। शायद ऐसा बाप नसीब वालों को ही मिलता है। माँ के मरते वक्त माँ ने मुझसे भी वादा लिया था कि मैं अपने वालिद का साथ कभी न छोड़ूं। मैं तो पूरी ज़िंदगी अपनी मरती हुई माँ को दिया हुआ वादा निभाती रही। पर मुझे क्या पता था कि आने वाले समय में लोग इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेंगे। मेरी और औरंगजेब की सोच मेल नहीं खाती थी। कई मुद्दों में हमारी पटती भी नहीं थी। मैं औरंगजेब को सफ़ेद सांप और ख़तरनाक बाघ बुलाती थी। यही नहीं, मेरी छोटी बहन रोशन आरा बेगम से भी मेरा झगड़ा हुआ था, जिसका असर शासन पर पड़ा। सन 1657 की बात है, अब्बा शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इसके बाद दारासिको और औरंगजेब में गद्दी के लिए तलवारें खींच गई।
मैंने दारा सिको का साथ दिया। हालांकि दारा सिको को हार का सामना करना पड़ा और सत्ता औरंगजेब के हाथों में चली गई। औरंगजेब ने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया। मैं भी पिता के साथ जेल में देख रेख के लिए रहने लगी। खुद का विरोध करने के बावजूद औरंगजेब ने मुझको पादशाह बेगम बनाया। आगे चलकर औरंगजेब ने गैर मुसलमानों से चुनाव कर वसूलने का कानून बनाया, लेकिन मेरा कहना था कि हिंदू मुसलमान के नाम पर कानून बनाने से देश बट जाएगा, लेकिन मेरी यह बात औरंगजेब नहीं सुना। मैं हमेशा से ही हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना चाहती थी ताकि देश की उन्नति हो सके, और शायद इसीलिए मेरी और औरंगजेब की कभी नहीं बनी। लेकिन ऐसा नहीं था कि औरंगजेब मुझसे नफरत करता था। अब्बा की तरह औरंगजेब भी मुझसे बहुत प्यार करता था। शासन के लिए, राज्य के लिए वो भले ही क्रूर था, लेकिन निजी जिंदगी में औरंगजेब के दिल में बहुत प्यार था। मैंने एक वसीयत बनवाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरी कब्र खुली होनी चाहिए, उसे पक्का नहीं होना चाहिए, और मेरी कब्र साधारण होनी चाहिए। सिवाय हरी घास के मेरी कब्र को किसी भी चीज़ से न ढका जाए, क्योंकि केवल घास ही एक दिन की कब्र ढकने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, सन 1681 में जहां आरा की मौत हो गई, हजरत निजामुद्दीन ओलिया की दरबार से दक्षिण की ओर एक कब्र है। यह जालीदार संगमरमर के पर्दों से घिरी हुई है। दीवारों के नाम पर बस पर्दे भर है, इसके ऊपर छत नहीं है। इसे देखकर नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ कोई शाही शख्स भी दफन हो सकता है। दोस्तों, यह कब्र मुगल शहजादी जहाँ आरा की है, वही मुगल शहजादी जिसने अपने कर्तव्यों के लिए आजीवन कुंवारी रही, जी हाँ, जिसने कभी शादी नहीं की। दोस्तों, अगर आपको भी हमारा काम पसंद आ रहा हो तो फोन पे या गूगल पे के जरिए हमें सहयोग कर सकते हैं, हम आपके आभारी होंगे। तो दोस्तों, जहां आरा की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।